मैं अपना बिजी रहा अपने काम में, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में मैं जुड़ना चाहूँगा। चार फिल्मों का मुबारकबाद देना चाहूँगा धनंजय जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और जैसा कि मुश्ताक भाई ने बताया, वाकई इन्होंने बहुत जमाने से देखता आ रहा हूँ, बहुत छोटे प्रोजेक्ट से इन्होंने अपनी शुरुआत की, और आज बॉलीवुड और हॉलीवुड सबको मिला करके, और इस तरीके के जो भी हमने अभी प्रोमो देखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बस इनसे यही कहूँगा कि हिंदी फिल्में भी बनाएं और आप जैसे कलाकार को काम दें। वो आज ही मैंने देखा, यूट्यूब में देखा, आज मैंने पढ़ा है, पता नहीं अभी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है कि उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, आई डोंट नो, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। फिर भी सर, ये संस्था बहुत कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है मैनेजमेंट को लेकर, क्या कहना चाहिए कि इतनी बड़ी संस्था और इतने सारे कलाकार ने की संस्था है, तो मैनेजमेंट हमको कभी भी ठीक नहीं रहा पिछले कुछ सालों में। आप पता नहीं, अब ये गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं, वो किनको अपॉइंट करते हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद वहाँ जो स्टूडेंट है, वैसे देखा जाए तो पिछले कई सालों से 1978 तक पुणे इंस्टीट्यूट एक जो था FTII, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से चल रहा था, जब तक ये नसीर भाई थे, ओमपुरी थे, ये लोग जब तक थे, उसके बाद से कुछ गड़बड़ हो गया, चाहे आप देख लीजिए, मतलब वो बात नहीं रही। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में बन गए, जो वहाँ से प्रिंसिपल वहाँ के जो थे, जो वहाँ के एक्ट्रेस थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो बॉम्बे में आकर के उन्होंने अपनी एकेडमी खोल ली, एक्टिंग स्कूल्स खोल लिए। तो वो करिश्मा जो पहले था, जो उन दिनों था 70s में था, 78 तक था, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। फिर उसके बाद आपने देखा कितना कंट्रोवर्सी हुई, सारी चीज़ें हुई, तो अभी उसके बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, बट मैं पता करूँगा। ये सडनली अभी शाम को पता चला, और जैसा कि मुश्ताक भाई ने बताया कि अभी पूरी जानकारी नहीं हम लोग, लेकिन ये फैक्ट कि FTII का जो माहौल पहले जैसा था 70 या 80 का, वो अब नहीं रहा, अब वो चार्म खत्म होता जा रहा धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत उम्मीदें हैं FTII से, एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया का, यस, मतलब बहुत बड़े एक्टर को FTII ने दिया है हमारे इंडस्ट्री को, तो वैसी उम्मीद हम आगे भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।